इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में मुखर्जी को नहीं याद करना दुर्भाग्य है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बीजेपी के नेता एकत्रित हुए। स्वर्गीय मुखर्जी की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कैलाश जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंग बचाओ आंदोलन के कारण आज बंगाल बचा हुआ है। आज के दिन बंगाल में उन्हें याद करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें वहां याद नहीं किया गया। मैं बंगाल सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। देखिए, स्वतंत्र भारत में अगर देश की अखंडता अस्मिता के लिए किसी ने सबसे पहला बलिदान दिया है तो आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इस नारे को अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व और गौरव का विषय है कि उनके इस प्रण को, उनके इस लक्ष्य को अगर पूरा करने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। जिस कश्मीर के बारे में ये कहा जाता था कि धारा 370 और 35 ए जैसी काली धाराएं कभी नहीं हटेंगी, उसको हटा के पूरे भारत को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी की इच्छा शक्ति ने किया। पूरे इंदौर के लगभग लगभग 10 से 15 हज़ार भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और नीचे वार्ड स्तर से नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसको सुनने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये लाइव होने वाली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे आज राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का व्याख्यान है। मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की है और जनसंघ के ज़माने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए, कुर्सी के लिए नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए। वोट की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की, और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि इस देश से धारा 370 समाप्त होना, इस देश से CA कानून लागू होना, इस देश में 3 तलाक समाप्त करना, ये सब कदम जो कड़े कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, ये देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, वोट की राजनीति के लिए नहीं है। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर की जेलों में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी और धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो आज भी जांच का विषय है, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस चतुराई के साथ इस देश से धारा 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, उससे सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा हुई है और मैं समझता हूँ लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल, जहाँ के कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और जो बंगाल यदि बचा है, आज बचा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत विभाजन के वक्त जो बंगाल का विभाजन हुआ, जो बचा हुआ बंगाल है, वो बंग बचाओ आंदोलन के कारण जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया था बंगाल को बचाने के लिए, और ये पंजाब जो बचा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से ही बचा है। मैं समझता हूँ कि बंगाल को भी आज उनको याद करना था, बाकी वहाँ की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण नहीं किया। मैं बंगाल सरकार की निंदा भी करता हूँ इस बात के लिए। देखिए, बंगाल कलकत्ता में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, मुख्यमंत्री ममता जी ने इसको बहुत लापरवाही से लिया, यही कारण है कि वहाँ डेथ रेट सर्वाधिक है देश से। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने से लोग कलकत्ता से उत्तर प्रदेश इलाज कराने जा रहे हैं, लगभग 10 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ताले लग गए, पैरा मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा नहीं होने से बहुत सारी नर्सेस नौकरी छोड़कर चली गई,
तो वहाँ बहुत बुरे हालत हैं। जब स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई तब ममता जी को लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देर से आई, दुरुस्त आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद सब लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार कोरोना से हम निपटें बंगाल के अंदर, उसके ऊपर ईमानदारी से कार्य योजना बनाएंगे, तो बंगाल में जो मौत का तांडव चल रहा है वो बंद हो जाएगा। कांग्रेस पेट्रोल और डीजल पर विरोध करने जा रही है, कल प्रदेश व्यापी। देखिए, अब कांग्रेस तो फुर्सत में है, कांग्रेस के नेता फुर्सत में हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी भी करते हैं।